राकेश झुंझुनवाला की एयरलाइन अकासा एयर अपने कमर्शियल ऑपरेशंस और फ्लाइट्स शुरू कर रही है, ऐसा संकेत आ रहा है। राकेश झुंझुनवाला की एयरलाइन बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करेगी। टोटल दो एयरक्राफ्ट वो लेगी शुरुआती दौर में, जिसमें से कि एक की डिलीवरी वो ले चुकी है और दूसरे एयरक्राफ्ट की डिलीवरी बहुत जल्दी होने वाली है। ये एयरलाइन शुरुआती दौर में मुंबई अहमदाबाद और कोची बैंगलोर सेक्टर पर अपने फ्लाइट्स ऑपरेट करेगी। कल यानी कि 22 जुलाई 2022 को कंपनी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की और बताया कि वो अपनी कमर्शियल फ्लाइट्स स्टार्ट करेगी 7 अगस्त से। जो सेक्टर वो पहले सर्व करेगी वो है मुंबई अहमदाबाद और फिर 13 अगस्त को वो कोची बैंगलोर सेक्टर पे अपनी फ्लाइट्स स्टार्ट करेगी। कल प्रेस विज्ञप्ति में एयरलाइन ने ये भी बताया कि शुरुआत में वो फ्लाइट के बुकिंग सिर्फ अपनी वेबसाइट से लेगी और अपने मोबाइल ऐप से लेगी, यानी कि जो ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स हैं जैसे कि मेक माई ट्रिप और yatra.com उनके थ्रू अभी फ़िलहाल टिकट नहीं बेच रही है। अब खास बात ध्यान देने की ये है कि कल ही उसने अनाउंस किया, कल ही बुकिंग ओपन कर दी अपने 7 अगस्त और 13 अगस्त के फ़्लाइट ऑपरेशंस के लिए, लेकिन कल ही एयरलाइन की वेबसाइट डाउन हो गई। कल कई घंटों तक एयरलाइन की वेबसाइट डाउन रही। इस वक्त में जिसने भी लॉगिन किया कंपनी की वेबसाइट पे, उनको ये मैसेज आया, सॉरी द पेज यू आर लुकिंग फॉर इज़ टेम्पररली अनअवेलेबल, वी विल बी बैक विद यू शॉर्टली। किसी भी एयरलाइन के लिए अपनी वेबसाइट ठप हो जाना, वो भी पहले दिन, बहुत अच्छे संकेत नहीं है। खैर, ये देखना होगा कि आगे कैसे सर्विस लेवल्स प्रोवाइड करती है ये एयरलाइन। इस सब्जेक्ट पे और अपडेट लेके आएंगे हम अपने अगले वीडियो पे। हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।